विपक्षी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा, विपक्ष ने लगाया भेदभाव का आरोप। बजट पर संसद में मैराथन बहस, 20 घंटे तक लोकसभा में चर्चा, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बड़े मंत्रालयों के लिए 5-5 घंटे तय। संसद में बजट पर बहस के दौरान बोले खड़गे, कहा हमको लगा था सबसे ज्यादा हमें ही मिलेगा, बजट में राज्यों के बीच भेदभाव। खड़गे ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा दो की थाली में पकौड़ा, बाकी की थाली खाली। किरेन रिजिजू बोले केंद्रीय बजट को सिर्फ दो राज्यों का कहना गलत बात है। बजट के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, संसद के बाहर बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, बजट पर संसद में होगी 20 घंटे की बहस। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान बोले खड़गे, ये बजट सरासर अन्याय है। बजट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर बोले अखिलेश यादव, सरकार पहले बेरोजगार करती है और ना ही महंगाई को लेकर ठोस कदम उठाती है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी आते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी, कहा इंडिया गठबंधन के नेताओं से करेंगे बात, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए सरकार पर डालेंगे दबाव। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वित्त मंत्री को घेरा, कहा देश को गुमराह कर रही वित्त मंत्री, 1 घंटे 40 मिनट के बजट भाषण में यूपी, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र का नाम तक नहीं लिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर बजट में कोई भेदभाव नहीं है तो मुझे एक बार फिर शब्दकोश में भेदभाव का मतलब देखना पड़ेगा। आम बजट पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कहा बजट से शिक्षा, मनरेगा, रेलवे को किया गया बाहर, सामान्य वर्ग पर बढ़ा दिया टैक्स। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को घेरा, कहा एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और बताना चाहिए कि बंगाल को 10 पैसे भी दिए हैं। पेपर लीक के खिलाफ बिहार विधानसभा में बिल पास, दोषियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। बिहार में आरक्षण पर छिड़ा रण, विपक्ष ने दायरा बढ़ाने के लिए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की, आरजेडी पर भड़के नीतीश कुमार। बजट पर बहस के दौरान बिहार के सीएम नीतीश का विवादित बयान, आरजेडी नेता रेखा पर भड़क कर बोले महिला, अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो, चुपचाप सुनो। अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे अरे बोल रही है। सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा ये लोग महिला को आगे थोड़ी बढ़ाया, बोल रही हो इसलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। बिहार के मंत्री जमा खान ने किया सीएम नीतीश का समर्थन, कहा नीतीश ने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है। बीजेपी विधायक राम सूरत राय ने भी नीतीश के बयान को बताया सही, कहा नीतीश ने रेखा देवी को अच्छी बात कही है कि जेडीयू ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। ललन सिंह ने भी राबड़ी देवी को लेकर दिया विवादित बयान, कहा साइन करने आता नहीं, बजट पर क्या बोलेंगी वो। ललन सिंह ने कहा राबड़ी देवी बजट पर भी बोलती हैं लेकिन साइन कितना लंबा करती हैं वो, उनका साइन देखे हैं कभी, बजट जैसा चीज उनको कहां समझ आएगा। बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं, दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं वो, कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए, तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा। एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, कहा बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश का किया धन्यवाद, कहा इस बिल के पास होने से गड़बड़ी करने वालों को मिलेगी कठोर सजा। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा इस कानून से परीक्षार्थियों और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा।
एंटी पेपर लीक बिल के खिलाफ आरजेडी के विरोध को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्ष की बदली परिभाषा, सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। पटना में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ युवा कांग्रेस का विरोध मार्च, उग्र हुए कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल। शंभू बॉर्डर पर फिलहाल यथास्थिति रहेगी बरकरार, किसानों से बातचीत के लिए तुरंत कमेटी बनाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा पंजाब से मांगा नामों पर सुझाव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में एक दहशतगर्द हुआ ढेर, इलाके में 4 से 5 आतंकी छिपे होने का अंदेशा। पठानकोट में देर रात देखे गए 7 संदिग्ध, एक का स्केच जारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान हादसा, टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसला शौर्य एयरलाइंस का विमान, हादसे की जांच शुरू। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली घटनास्थल पहुंचे, क्रैश की पूरी जानकारी हासिल की। पुणे में मूसलाधार बारिश के कारण पवना नदी उफान पर, मलवली इलाके में फंसे 20 लोगों का किया गया रेस्क्यू। भरूच में भारी बारिश, NH-48 पर भरा पानी, इंदिरा नगर बस्ती के 200 मकान भी डूबे। कटनी जिले में जोरदार बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील, लोगों ने घर की छतों पर डाला डेरा। गंगापुर सिटी में झमाझम बारिश के बाद भीषण गर्मी से मिली राहत, किसानों के खिले चेहरे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धसान नदी उफान पर, बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सूरत में लगातार भारी बारिश, समुद्र को जोड़ने वाले वीर कवि नर्मद सेतु के दोनों छोर के दरवाजे किए गए बंद। गुजरात के नर्मदा में भारी बारिश के कारण करजन डैम का बढ़ा जलस्तर, डैम के 4 गेट खोलकर छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश का दिखने लगा असर, शहर की सड़कें जलमग्न, लोगों को हो रही परेशानी। नवसारी में 3 दिन से लगातार जारी है बारिश, कावेरी अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर। गुजरात के भरूच में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, शहर के कई हिस्सों में भरा बारिश का पानी। दक्षिण गुजरात के जिलों में भारी जलसैलाब का अनुमान, सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी, डांग, दमन, दादर और नगर हवेली में रेड अलर्ट। गुजरात के डांग में कई घंटों की बारिश के बाद गीरा झरना ओवरफ्लो, सावधानी बरतने की अपील। जूनागढ़ में 19 में से 16 डैम ओवरफ्लो, शाहपुर विया डैम के सभी 10 गेट खोले गए, 96 गांव बाढ़ से प्रभावित, 65 रास्ते बंद। देहरादून में बारिश का कहर, रिहायशी बस्तियों में घुसा बारिश का पानी, प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। गंगोत्री नेशनल हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद, कांवड़ यात्रियों के लिए बीआरओ की टीम ने हटाया मलबा। महाराष्ट्र के ठाणे में सुबह से तेज बारिश, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, बदलापुर के कई हिस्सों में भरा पानी। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश के कारण तेरू नदी पर बना पुल बहा, कई गांवों का संपर्क शहर से टूटा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उफान पर शिवनाथ नदी, एसडीआरएफ की टीम ने 10 मजदूरों की बचाई जान। झमाझम बारिश के बाद यूपी का झांसी हुआ तरबतर, घरों और दुकानों में भरा पानी, कई इलाके जलमग्न। राजस्थान के करौली में राहत लेकर आई बारिश, उमस और गर्मी से मिला छुटकारा। बारिश के बाद नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भारी जलजमाव, यातायात प्रभावित। पुलिस ने डायवर्ट किया रूट, लगा भारी जाम। नोएडा में भी हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा के सेक्टर 62 में बारिश के बाद घुटनों तक भरा पानी, सड़कों पर लगा लंबा जाम। लोनावला में हुई साल के रिकॉर्ड तोड़ बारिश, पिछले 24 घंटे में हुई 275 mm बारिश।
बारिश के बाद से लोनावला में नदियां उफान पर, सड़कों पर आया बारिश का पानी। सोनीपत में जमकर बरसे बदरा, सड़कें बनी सैलाब। सोनीपत के गोहाना में रेलवे लाइन अंडरपास भी बना तालाब, अंडरपास में पानी में तैरती नजर आई कार। रेलवे लाइन अंडरपास में फंसी कार, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों को ही भारी परेशानी, वाहनों को धक्का लगाते हुए नजर आए वाहन चालक। अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत, गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण, उम्र में भी छूट। ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने किया कमाल, पृथ्वी 2 मिसाइल दागकर इंटरसेप्टर मिसाइल ED-1 किया लॉन्च, बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के नजदीक नष्ट करने में सक्षम। दुबई में विश्व होम्योपैथी शिखर सम्मेलन का आयोजन, दुनिया भर के प्रतिष्ठित होम्योपैथी डॉक्टर हुए शामिल। दिल्ली में वर्ल्ड अचीवर्स समिट एंड अवार्ड्स 2024 का आयोजन, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने बांटे पुरस्कार। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधि विधान से दर्शन पूजन किए। हरिद्वार से शुरू हुई कांग्रेस की पदयात्रा गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों से होते हुए केदारनाथ में होगी समाप्त, इस दौरान जगह जगह जनसभाओं का भी होगा आयोजन। हरिद्वार में पूरे चरम पर है कांवड़ मेला, बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं हरिद्वार, सुरक्षा के लिहाज से एसडीआरएफ और जल पुलिस तैनात। सहारनपुर के कांवड़ मार्ग पर नजर आए कलयुग के 3 श्रवण कुमार, चलने में लाचार, मां को कांवड़ में बिठाकर पूरी कर रहे हैं यात्रा। दिल्ली में तैयार हुआ सबसे बड़ा कांवड़ कैंप, एक बार में रुक सकेंगे 8,000 श्रद्धालु, 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर्स। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था हुई चुस्त, कांवड़ मेले और रक्षाबंधन को देखते हुए परखे जा रहे पुलिस प्रशासनिक इंतजाम, लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का अगला जत्था हुआ रवाना, पवित्र यात्रा को लेकर उत्साहित दिखे भोले के भक्त। बाबा के भक्तों के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम, भक्तों के साथ तैनात दिखे भारतीय सेना के जवान। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अयोध्या को देश में प्रथम स्थान दिलाने को लेकर नगर निगम राम का घर महाअभियान, राम का घर रथ अभियान की शुरुआत हुई। श्रीनगर में गुलाबी क्रांति अटल एक्सपो का आयोजन, कश्मीर विश्वविद्यालय में कश्मीरी महिला उद्यमियों के लिए किया गया आयोजित। प्रदर्शनी में देखी कश्मीरी संस्कृति की झलक, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राजौरी में महिलाओं के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। अगरतला में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हुए शामिल। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। दिल्ली पहुंची यूके के विदेशी राष्ट्रमंडल डेविड लैमी, भव्य हुआ स्वागत। खावड़ा और मुंद्रा एयरपोर्ट पर भूटान के राजा जिम्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोपके से गौतम अडानी की मुलाकात, गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थल का किया दौरा।